एनआईए की छापेमारी के बाद गोपालगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सेफ्टी इंचार्ज की नौकरी के लिए गोपालगंज का संजीत यादव कंबोडिया गया। एजेंट प्रहलाद सिंह को इसके लिए 1,40,000 रुपए डोनेट किया। कंबोडिया जाने के बाद उसे वहां के एजेंट द्वारा आनंद कुमार सिंह ने पाकिस्तान की ऑनलाइन साइबर स्कैम कंपनी के हाथों $2,000 भारतीय करेंसी 1,56,000 रुपए में बेच दिया। भारतीय दूतावास से शिकायत करने के बाद कंबोडिया की पुलिस ने पाकिस्तान की साइबर स्कैम कंपनी के चंदों से छुड़ाया और जेल में डाल दिया। करीब 50 दिनों बाद दो अलग अलग जेलों में रहने वाले संजीत यादव को वापस भारत भेजा गया और 3 साल के लिए कंबोडिया जाने पर बैन लगा दिया गया। संजीत ने गोपालगंज पहुंचकर नगर थाने में पूरे मामले को लेकर 26 मई की रात साइबर फ्रॉड के लिए मानव तस्करी की FIR दर्ज कराई। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद कंबोडिया से लेकर पाकिस्तान तक के कनेक्शन का खुलासा हुआ। संजीत यादव इकलौता भारतीय नागरिक नहीं है जो कंबोडिया में नौकरी के लिए जाकर पाकिस्तान के एजेंट के हाथों गलत धंधे के लिए बिका। इसकी तरह कई भारतीय मजदूर हैं, जिन्हें कंबोडिया में नौकरी के बहाने ले जाकर पाकिस्तान के एजेंट के हाथों बेच लिया गया और उनकी कोई खोज खबर तक नहीं है। वहीं गिरफ्तार प्रहलाद सिंह से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जाएगा जेल। प्रहलाद सिंह की गिरफ्तारी के बाद NIA ने नगर थाने की पुलिस को फिलहाल के लिए सौंप दिया है। नगर थाने में प्रहलाद सिंह को लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद जेल भेजा जा सकता है। हालांकि नगर थाने में ही फिलहाल रखा गया है। पुलिस का कहना है कि NIA को केस सौंपा जा चुका है। वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजीत यादव कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी मोहम्मद गांव का रहने वाला है। सेफ्टी इंजीनियर का कोर्स करने के बाद उसने रोजगार समाचार में वैकेंसी देखकर प्रहलाद सिंह नाम के एजेंट से 24 अगस्त 2023 को संपर्क किया था। मानव तस्कर के एजेंट ने 1,40,000 रुपए लेकर सेफ्टी इंचार्ज की नौकरी के लिए कंबोडिया भेज दिया। कंबोडिया जाकर संजीत यादव एक एक कर 3 लोगों के हाथों बिक गया और इसकी पूरी जानकारी नगर थाने में कराई गई FIR में दी है। प्रहलाद सिंह लोगों को विदेश भेजने वाला एजेंट है जो गलत तरीके से वीजा पर कंबोडिया समेत कई खाड़ी देश में भेजता था। संजीत यादव को भी इसी ने कंबोडिया भेजा था। नगर थाने के हजियापुर खाड़ निवासी केशव सिंह का पुत्र है और थावे में इनके होटल चलाता है। होटल पर ही विदेश भेजने वालों का इंटरव्यू लेता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेश भेजने के धंधे से उसने अकूत संपत्ति बनाई है। NIA को जब इसके बारे में मुंबई से जानकारी मिली तो टीम सोमवार की रात में ही पहुंच गई और उसे स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। रडार पर कई एजेंट, चल रही छापेमारी। NIA और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई में प्रहलाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके साथ मानव तस्कर के एजेंट के रूप में काम करने वाले अन्य साथी फरार हो गए। NIA और पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई चल रही है।